जस्ट दो दिन पहले एक सरकार की तरफ से नया फरमान आया है और बोला है कि अब विश्वविद्यालयों को हम ऑटोनॉमी दे रहे हैं, 62 विश्वविद्यालयों को, वे सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस हैं। तो यहाँ के जो प्रशासन है उनको खुली छूट है कि वो क्या फीस स्ट्रक्चर होगा, क्या कोस्ट स्ट्रक्चर होगा, सामाजिक न्याय की पॉलिसीज़ को लागू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। और ये सारा एक नया ऑटोनॉमी करके एक चीज़ आई है जिसके चलते वो हमारे विश्वविद्यालयों को बेचना चाह रहे हैं। ये कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है दिसंबर 2015 में जिसके खिलाफ हम आंदोलन कर रहे थे, ऑक्यूपाई यूजीसी जो आंदोलन था, यूजीसी के सामने हम लोग बैठे थे। और उस समय मोदी सरकार अराउंड 20 दिसंबर 2015 को नायरूबी में जाके WTO गैट्स अग्रीमेंट साइन कर कराई थी, जो शिक्षा को एक ट्रेडेबल कमोडिटी में कन्वर्ट कर दिया। अब शिक्षा एक अधिकार नहीं है इस देश के लोगों का, इस देश के नागरिकों का, वो एक कमोडिटी है जिसको बाजार में खरीदा जाएगा। जो बाजार में खरीद नहीं सकता वो नहीं खरीद पाएगा। अगर आप गरीब परिवार से आते हैं, विदर्भ के किसान के परिवार से आते हैं, अगर आप कालाहांडी से आते हैं, तो आप उच्च शिक्षा से आपको बेदखल कर दिया जाएगा। और जब फरवरी में उसके 2 महीने बाद JNU पे हमला किया गया तो सब लोगों को याद होगा कि एक लाइन, एक नैरेटिव बहुत ज़्यादा चला रहे थे वो, कि आप लोग टैक्स के पैसे से पढ़ते हैं, आप लोग टैक्स पेयर्स मनी से पढ़ते हैं, और टैक्स पेयर्स मनी से पढ़ने के बावजूद आप लोग देश के खिलाफ बोल रहे हैं। और एक कंसेंसस डेवलप कर रहे थे सोसाइटी में कि जो टैक्स का पैसा है जो बजट में एलोकेट होता है शिक्षा को, दैट इज़ लाइक वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, बिकॉज स्टूडेंट्स आर गुड फॉर नथिंग हु आर ओनली एंटी नेशनल पीपल। एंड एक्चुअली दैट वॉज द रूट ऑफ एवरी थिंग दैट इज बीइंग अनफोल्डिंग सिंस देन। जो टैक्स का पैसा है वो किसका पैसा है? वो हमारा पैसा है, आपका पैसा है, इस देश के नागरिकों का पैसा है। और ये बात इस देश के नागरिक चाहेंगे कि उस टैक्स का पैसा शिक्षा में खर्च हो, स्वास्थ्य में खर्च हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खर्च हो, ना कि नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या को टैक्स का माफ़ी किया जाए, वो लोग पब्लिक मनी लेके भाग जाएं, अंबानी अडानी को टैक्स हॉलीडेज दिया जाए, इन सब के बावजूद वो शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च हो, ये हमारी मांग है। अब इस मांग को आप डिफेम करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो लोग इसके लिए लड़ रहे हैं उन्हीं को डिफेम कर दें और उन्हीं के जो उनकी लैंग्वेज आप उनसे छीन लें। तो हमको बोल दिया गया कि आप लोग एंटी नेशनल, और एक बहुत बड़ा विलिफिकेशन कैंपेन हमारे खिलाफ शुरू किया गया कि छात्र राजनीति करना बुरी बात है, छात्रों को राजनीति नहीं करनी चाहिए, छात्रों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना नहीं चाहिए, छात्रों को चुपचाप बैठ के पढ़ना चाहिए और एक मशीन के पुर्जे की तरह बन जाना चाहिए। मार्च 2016 मैं उनको हमेशा बताता हूँ कि जो हम लोग JNU के अंदर हैं, ये हमला हम पे कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। अलग अलग फरमान ला के हमसे वही चीज़ें जो जिस चीज़ के लिए वो हमला किया गया था, हम लोगों को डिफेम करने के लिए और शिक्षा का बाजारीकरण, शिक्षा का में ब्राह्मणवाद को थोपने के लिए जो एजेंडा था वो आज भी चल रहा है, उनके तरीके बदल गए हैं। एक दिन नहीं गुजरता JNU में जब कोई हमारा वाइस चांसलर कोई बिल्कुल ही बेबुनियाद, बिल्कुल बेवकूफ़ाना कोई नया पॉलिसी लेके ना आता हो। JNU में एक इतना अच्छा पॉलिसी था डेप्रिवेशन पॉइंट्स बोल के, जिसके चलते लोग जो बैकवर्ड इलाकों से आते हैं, महिलाएं हैं, उनको एक्स्ट्रा नंबर मिला करते थे विद एन अंडरस्टैंडिंग दैट देर इज नॉट एन इक्वल प्लेइंग फील्ड इन दिस कंट्री। पीपल स्टडी इन दिल्ली, पीपल हु कम फ्रॉम रिच बैकग्राउंड्स कैन ऑफकोर्स विल हैव अ मोर सोशल कल्चरल कैपिटल। सो टू इनेबल स्टूडेंट्स फ्रॉम डिप्राइव्ड बैकग्राउंड्स देयर वाज दिस सिस्टम, द वाइस चांसलर डिड अवे विद दिस। देयर वाज अ सिस्टम ऑफ GS कैश व्हिच वाज द फर्स्ट बॉडी टू बी सेट अप आफ्टर द विशाखा गाइडलाइंस, व्हिच इंश्योर्ड दैट देयर वाज अ सेफ एनवायरनमेंट फॉर वुमेन। That has been done away with, and we are seeing what's happening now in Atul Johri's case, where he's being protected. So there is an attempt to make universities exclusive. There is an attempt to sell off universities, and which is what we are fighting against. And the attacks have continued in very many ways. At that point of time, their approach was in February 2016 to make this into a media spectacle, to defame us by creating that media spectacle, by making this into prime time news, showing doctored videos, putting sedition cases, and painting us as the villains of the nation. However, that also partially backfired for them because that also gave us a voice, that also gave JNU a voice. Then they realized that we have to take it away from media and we have to keep this at the level of policy internal sabotage, and which is what the vice chancellor does. He comes to meetings with his bouncers, he fabricates minutes of meetings, he says one thing in meetings, says another thing to the press, and that sabotage has been continuing in very many ways. Social justice has been trampled upon. Students, I don't know, there must be 100-150 notices and inquiries that must be going around on students. So there is an entire environment of fear that they are trying to cultivate. Matlab, we have reached a saturation point. What you are seeing today is that जो 2 साल तक हम लोगों पे हमको दबाया गया है, हमारी आवाज़ों को दबाया गया है, हम लोगों का दम इतना ज़्यादा घुट गया कि हमारे पास कोई तरीका नहीं रह गया कि हम इतनी बड़ी संख्या में बाहर आएँ। हम भी चाहते हैं पढ़ाई करना, बहुत हम लोग खुश नहीं हैं कि यहाँ आ रहे हैं। मुझे 4 महीने में PhD जमा करना है, मैं चाहूँगा इस समय मैं बैठ के PhD करूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मैं यूनिवर्सिटी में सिविल वॉर चल रहा है। तो एक वॉर टाइम जब चल रहा है तो उसमें कौन इंसान बैठ के पढ़ाई कर पाएगा? मतलब लोगों के हर दिन कोई एक नया धमकी आती है, और जो लोग गुंडागर्दी करते हैं कैंपस में, नजीब को गायब करते हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। तो एक मैसेज दिया जा रहा है यहाँ की सरकार, यहाँ के प्रशासन द्वारा, कि कुछ लोगों को छूट है और बाकी लोग अगर सांस भी ले लें, अगर अपनी आह भी बयान कर दें, तो उनको हम कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी।
मोदी साहब ने बोला था 2014 से पहले कि बहुत हुआ नारी पे वार, अब की बार मोदी सरकार। और जब नारी पे वार हो रहा है और जेएनयू उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, इसलिए अगर जेएनयू को एंटी नेशनल बोला जा रहा है तो फिर इस देश की जनता को भी सोचना चाहिए कौन राष्ट्रहित में खड़ा है और कौन राष्ट्रहित के खिलाफ खड़ा है। ये वही सरकार है, ये नारा देने के बावजूद आज अतुल जोरी जैसे लोगों को बचा रही है, तो कौन एंटी नेशनल हुआ? एक विश्वविद्यालय का काम होता है सवाल पूछना, एक विश्वविद्यालय का काम होता है सरकार से सवाल पूछना, आप लोग मीडिया में हैं, मीडिया का काम होता है सरकार से सवाल पूछना। अगर सवाल पूछने की रवायत को एंटी नेशनल बना दिया जाए तो हमारे देश के लिए आने वाले दिनों में बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, क्योंकि अगर कोई भी सरकार के खिलाफ सवाल पूछना बंद कर दिया जाए, सिर्फ इस सरकार के खिलाफ नहीं, कोई भी सरकार के खिलाफ अगर सवाल पूछना बंद कर दिया जाए तो फिर वो सरकार बिल्कुल एक बगले सांड की तरह हम लोगों पर वार करेगी। और उस चीज़ को रोकने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए आज जेएनयू के छात्रों ने एक जिम्मेदारी उठाई है। हम लोगों को मतलब पसंद नहीं है रोज़ रोज़ लाठी खाना कि हमारे इतने साथियों को आज जिस तरीके से मारा है, हमको पसंद नहीं है, हमको भी दर्द होता है। हमारे ऊपर जिस तरीके के आरोप लगते हैं, हमारे खिलाफ़ जिस तरीके से हेट कैंपेन चलाया जाता है, हमको भी बुरा लगता है, हमको भी डर लगता है, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है और शायद आज देश के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। जिस तरीके से शिक्षा पे तो हमला है ही, जिस तरीके से लोग बेरोजगार हैं और हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि आप बेरोजगार नहीं है तो आप पकौड़ा बेच सकते हैं, जिस तरीके से किसानों की आत्महत्या हो रही है, जिस तरीके से छोटे कारोबारों पे हमला किया जा रहा है, जीएसटी नोटबंदी जैसे कानून लाए जा रहे हैं, तो हमला सब पे है। और इस देश की जनता को डिसाइड करना पड़ेगा वो किस तरफ है, क्या वो इस लुटेरों की सरकार के साथ है या इस देश की बहुसंख्यक आबादी जिनको लूटा जा रहा है उसके साथ है। पर आई थिंक जो सैचुरेशन पॉइंट अब देश में भी आ गया है, और ये जितने आंदोलन आप देख रहे हैं अलग अलग जगह, चाहे वो छात्रों का आंदोलन हो, चाहे वो किसान के आंदोलन हो, चाहे वो बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन हो, एसएससी एग्जाम में जो घपला हुआ है उसके खिलाफ जो आंदोलन हो, ये सारे आंदोलन 2019 में इस सरकार को बहुत करारा जवाब देने वाले हैं। मैं अमित शाह का इंटरव्यू देख रहा था, वो बोल रहे थे 2019 में वो बड़े मार्जिन से आएंगे, ये हमारी चुनौती है उनको, ये हमारा चैलेंज है उनको, ये लड़ाई हम 19 में लड़ेंगे और जो महासंग्राम होने वाला है आपको करारी शिकस्त देंगे। देखिए, इतिहास का एक बहुत बेसिक लॉ है कि जितना ज़्यादा दमन होगा उतना ही ज़्यादा प्रतिरोध होगा। तो पिछले 2 साल से जो अनप्रेसिडेंटेड लेवल पर आप छात्र आंदोलन देख रहे हैं और जेएनयू के अंदर देख रहे हैं, जेएनयू के बाहर और बहुत सारे विश्वविद्यालयों में देख रहे हैं। जेएनयू तो एक चलिए एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ एक ट्रेडिशन रहा है छात्र राजनीति का, बीएचयू में कोई ट्रेडिशन छात्र राजनीति का नहीं रहा है, उसके बावजूद वो बीएचयू वो बनारस जो प्रधानमंत्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके अंदर इतनी बड़ी मात्रा में छात्राओं ने आके बोला कि अब आपका जुमलेबाजी नहीं चलेगी और हमको सुरक्षा, हमको हमारी आज़ादी, हमारा जीएस कैश दीजिए। तो ये अनप्रेसिडेंटेड लेवल पर छात्र आंदोलन गए हैं एफटीआई से एचसीयू जेएनयू, और ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि कितना इंटेंस आज हमारे ऊपर हमला है, क्या क्या चीज़ें आज स्टेक पे हैं, क्या सिर्फ एक विश्वविद्यालय स्टेक पे है कि कहीं ना कहीं हमारे भारत का जो सपना है एक बेहतर भारत बनाने का सपना है, क्या वो स्टेक पे है? आज भगत सिंह का मार्टिरियम डे भी है। जब भगत सिंह लड़ रहे थे उन्होंने बोला था मेरी लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं है, क्योंकि कल को अगर अंग्रेज चले गए और बुरे अंग्रेज आ गए और ये व्यवस्था नहीं बदली, लोगों को उनका रोजगार, उनकी शिक्षा नहीं मिली, तो वो असली आज़ादी नहीं होगी। हम उस असली आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं जो सपना भगत सिंह ने देखा था, और उसके लिए हम पर इस किस्म के हमले किए जा रहे हैं। आज अगर जेएनयू में फॉर एग्जांपल एक उदाहरण लेता हूँ, ऑटोनॉमी के बाद वाइस चांसलर ने बोला कि वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट खोलेंगे, उस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का प्रपोज फी स्ट्रक्चर क्या है? 60,000 रुपये। जेएनयू में एमए किया मेरा, हमारे समय में फी क्या था? 120 रुपये 6 महीने का, 120 से 60,000 कौन पढ़ पाएगा? और इसको बचाया जाए या ना बचाया जाए, जो इतने सारे गरीब परिवारों से लोग आते हैं वो पढ़ पाते हैं, ये सोच पाते हैं कि हम पीएचडी करेंगे, एमफिल करेंगे, शायद कल को हम कोई प्रोफेसर बन जाएं, ये सपना देखना क्या इस देश के नागरिकों की तरफ से अपराध है? ये इस सपने को ख़त्म करना अपराध है। वो विश्वविद्यालय जो ये सपना इतने सारे लोगों को दिखाता था, उस विश्वविद्यालय को ख़त्म करना अपराध है। मेरे हिसाब से मामीदाला जगदीश कुमार जो भी काम कर रहे हैं ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। जिस तरीके से एक यूनिवर्सिटी को इतने सारे लोग दिए हैं इस देश को, इतने सारे ब्यूरोक्रेट्स दिए हैं, इतने सारे पॉलिटिशियंस दिए हैं, इतने सारे पब्लिक फिगर्स दिए हैं, इतने सारे पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स दिए हैं, उस विश्वविद्यालय को आप खत्म कर रहे हैं और आप उसको क्या बनाना चाहते हैं? एक मशीन बना देना चाहते हैं? वो बोलते हैं कि आपको हम कंपलसरी अटेंडेंस करेंगे। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो आज कैंपस में लोगों को गैल्वेनाइज किया और इसको लेकर बाहर बहुत पूरा परसेप्शन है कि आप अटेंडेंस के खिलाफ क्यों हैं, अटेंडेंस आप बंक करना चाहते हैं क्लासेस। मैं जानता हूं जब मैं पढ़ा, मैंने एमए किया, कोई अटेंडेंस नहीं था। मैं जानता हूं ऐसे छात्र मेरे साथ हैं, 16 कोर्स हमारे होते थे 2 साल में, तो 29 कोर्स किए हैं अपने आप अपने वॉल्यूशन से कि वो और जानना चाहते थे बिना किसी अटेंडेंस के। तो वो अटेंडेंस नहीं, वो हमको एक किताबी कीड़ा बना देना चाहते हैं। हम किताब से भी पढ़ते हैं, हम समाज से भी जुड़ के पढ़ते हैं, और रिसर्च में आने के बाद तो अगर मेरे रोज़ क्लास जाना पड़े तो मेरे रिसर्च को नुकसान होगा। तो ये जो हमको बिल्कुल बर्बाद किया जा रहा है, शिक्षा का घटियाकरण किया जा रहा है, उसके खिलाफ आज हम लोग खड़े हुए हैं कि शिक्षा में कौन शिक्षा प्राप्त कर पाए। ये एक बहुत बुनियादी सवाल है जिसको हर किसी को सोचना चाहिए। जो पुलिस वाले हम पे लाठी चला रहे थे उनको
उनको भी सोचना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि इन पुलिस वालों के बच्चे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और एमिटी और जिंदल में जाकर पढ़ पाएंगे। अगर उनको पढ़ना पड़ेगा तो उनको जेएनयू ही आना पड़ेगा पढ़ने के लिए, जहाँ 120 रुपया फीस थी। तो ये हम सबको सोचना चाहिए कि हम किस चीज़ को बचा रहे हैं। हम एक इंस्टीट्यूशन को नहीं, हम इस देश को बचा रहे हैं। ये सरकार मनुस्मृति से चलती है और मनुस्मृति का जो विचारधारा है वो क्लियर बता देता है कि आपका जहाँ पैदाइश होगी समाज में आपका जगह भी वहीं से तय होगी। तो वो चाहते नहीं कि गरीब लोग, दलित लोग, आदिवासी लोग, मुसलमान, महिलाएं, क्वेर, ये लोग शिक्षा में आ सकें। ये इनके विजन में ही नहीं आते कि ये लोग एग्जिस्ट भी करते हैं। जिस हिंदू राष्ट्र का सपना देखते हैं वो दलित विरोधी, मुसलमान विरोधी, गरीब विरोधी, पिछड़ा विरोधी वही है। और आज हमारे विश्वविद्यालय लोग गुरुकुल में तब्दील कर देना चाहते हैं। तो एक तरफ सामाजिक न्याय को खत्म कर देंगे, दूसरी तरफ निजीकरण कर देंगे। जो गरीब लोग हैं, दलित लोग हैं, वो इतना पैसा दे ही नहीं पाएंगे।